मम्मी आप गांव क्यों जा रही हो भाई? शादी है इसलिए। यहाँ पे मम्मी अपनी पैकिंग वगैरह, शादी वादी वाले ये ऐसे कपड़े जैसे दुल्हन लोग पहनते हैं। मी व्हेन आई वाज इन सिक्स्थ क्लास। ओह माय गुडनेस, जिंदगी में पहली बार उठाया ना। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। उतरो तो सामान वगैरह देख लेना। वो 3 4 5 6 देखो, पहले हम लोगों ने बैग देख लिए, अब हम देखते हैं बैग उठाना किसको है। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज आशीष सिद्दीकी। तो यार बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, मतलब ईद के बाद आज डायरेक्टली ब्लॉग कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 महीना 2-3 दिन हो चुके हैं यार। रीजन सिंपल है कि यार एग्जाम वगैरह चल रहे थे, फाइनल एग्जाम चल रहे थे, सिलेबस सच में बहुत ज्यादा है। हम लोगों का एनुअल होता है तो पूरे साल भर के एक ही बार में होता है, तो भाई समझ सकते हो कितनी ज्यादा टेंशन है। एग्जाम का स्ट्रेस सच में बहुत ज्यादा है। और अभी हम लोगों के 3 एग्जाम और बचे हैं, एक प्रैक्टिकल, 2 एग्जाम, एक न्यूरो सर्जरी, न्यूरो और हमारा न्यूरो का प्रैक्टिकल। आज यार मतलब दिल से ब्लॉग करने का मन कर रहा था। एक्चुअली 6 दिन की छुट्टी पड़ी है हमारे न्यूरो के एग्जाम के लिए, तो मैंने सोचा यार एक ब्लॉग बना लेते हैं, भाई बहुत दिन हो गए। और एक चीज और है जो कि मैं इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, खैर बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रहे हैं, मेरी शक्ल आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रही होगी, मेरे को भी लग रही है कैमरे में। माशाल्लाह यहाँ पे कोई सो रहा है। चिक चिक चिक। वाह माशाल्लाह, सोने दो। आज जुमा है, सब लोगों को जुमा मुबारक। और टाइम देखो कितना हो रहा है। एक्चुअली ये घड़ी बेकार है, चलती वलती नहीं है। देखो इसकी सेकंड वाली सुई रुकी है, मैंने इसमें टाइम दिखाने के लिए सेट किया था उंगली कुछ इस तरीके से। लेट हो रहा होता हूँ तो मैं ऐसे कर देता हूँ, नोबिता की घड़ी है, फोन ने दी थी, इसमें टाइम जो करता है दुनिया भर में वही हो जाता है। खैर आज जुमा है तो मेरे को सबसे पहले नहाना है, मैं आप लोगों से मिलता हूँ जुमा की नमाज पढ़ने के बाद। सो गाइस हम लोगों ने अपनी जुमा की नमाज अदा कर ली माशाल्लाह। और यार किचन से ना बहुत अच्छी चीज रही, खुशबू आ रही है। सामने आप लोगों को दिख रही होंगी बहुत सारी पूड़ियाँ, और यहाँ पे ये बन रही है मटर पनीर जो की बाजी बना रही है। ट्रेन में तुम लोग इसको खाओगे कितना मजा आएगा तुम लोगों को बैठ के। मेरे लिए ना 1 महीने का खाना बना के चलो। क्यों नहीं, वाली जो पूड़ियाँ हैं ये इसने बेली है, अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकी है। सेकी है, मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखो नहीं, मैं ये बना इधर से वो ये बेली तू, ये सेकी तूने, मैं नहीं दिखा, मेरे सामने निकाली भाई तूने। देख मैं सेक के दिखाती हूँ, चल ठीक है देख लेते हैं आज ऐसे करते हैं। अरे वैसे करना, ऐसे हाथ डाल के निकाल ले। अरे कुछ नहीं होता, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। इंस्टाग्राम पे गैस बंद रहती है यार, जो इंस्टाग्राम वाले होते हैं वो पता नहीं क्या होते हैं, मतलब ऐसे खोलते हुए तेल में हाथ डाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन ऑफ स्किन। माशाल्लाह पता नहीं अब कब खाने को मिलेगा ये घर का खाना, मम्मी के हाथ का। खुद बना लियो तो क्या है, बनाना आता था तुझे। खराब होने वाली है क्योंकि मम्मी तो अब रहेंगी नहीं, तो मोस्टली काम खुद ही करने पड़ेंगे। अब पता चलेगा कि क्या कितनी कितनी चीजें होती हैं घर के अंदर। ऐसे मस्त कॉलेज से हॉस्पिटल से आता हूँ, साथ में खाना मिल जाता है एकदम बढ़िया बढ़िया बना हुआ, अब अहमियत पता चली। मम्मी तो बहुत ज्यादा चिल है क्योंकि वो गाँव जा रही है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। सो खैर जब मैं नमाज पढ़ के आ रहा था तो मेरे को मिला था ये, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो हम उसको लूसी को दिखाएंगे, देख के पगला जाती है पंख। ये लो ये अभी इससे 1 से 2 घंटे तक बहुत ज्यादा खेलेगी, यहाँ से ज्यादा खेलेगी और फिर ये बोर हो जाएगी। इसको ऐसे दिखाओगे भी, इसके पास ले जाओगे तो ये इग्नोर बिल्कुल, बहुत जल्दी बोर हो जाती है चीजों से। यहाँ पे मम्मी अपनी पैकिंग वगैरह कर रही है, सारा सामान उठा लेगा यार, तो 3 दिन जिम गया था और क्या। ये देखो लूसी भी हेल्प करा रही है पैकिंग में। लूसी लूसी को भी बोल लो जा रहे हैं, मतलब जा कौन कौन रहा है, मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, मम्मी जा रही है, साहिल जा रहा है, बाजी जा रही है, और घर पे कौन कौन रहेगा, मैं लूसी और पापा, 3 लोग जा रहे हैं, 3 लोग घर पे रहते हैं। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। ओ भाई चलो भाई, मम्मी बुला रही है। ओ भाई साहब ये पहन के दिखाइए क्या। सो यहाँ पे इनकी शायद पैकिंग चल रही है, शायद क्या पैकिंग ही चल रही है यार। ये शादी वादी वाले ये ऐसे कपड़े हैं जैसे दुल्हन लोग पहनते हैं। ये चीज दिखाता हूँ हम लोगों को, ये वाला जो है ना, इससे मैंने लूसी के अंदर, ये वाला जो सॉफ्ट है इससे मैंने लूसी के अंदर डर डाल दिया है। अभी रिएक्शन देखना लूसी के, देखो कितना क्यूट लग रहा है ये। कहने को मत कहो बस, तुम्हें बस गुस्सा दिखाते रहे करो। इतना गुस्सा दिखाती है क्या बताऊं बेटा, रहना तो तुम्हें हमारे साथ ही है, कितना भी गुस्सा दिखा लो, ये सब जितने भी लोग हैं सब चले जाएंगे भाई, तुम्हें रहना हमारे साथ ही है। तो मेन इम्पोर्टेंट थिंग, मम्मी गांव क्यों जा रही है, सो ये चीज मम्मी आप लोगों को खुद बताएंगी। मम्मी आप गांव क्यों जा रही हो भाई? शादी है इसीलिए जा रही हूं। किसकी शादी है? हमारी बाजी के लड़के की। तुम्हारी खाला के? हाँ। बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी वाली जो खाला है
बड़े गाँव में रहते हैं वो। उनके जो सबसे छोटे वाले बेटे उनका नाम इरफान है, उनकी शादी है और ये उनके घर की लास्ट शादी है। और बचपन में हम लोगों की बहुत ज़्यादा जमती थी, हम लोग साथ में बहुत सारी चीज़ें करते थे, मज़ा बहुत आता था। लेकिन यार एग्ज़ाम के चक्कर में की वजह से, और वो भी फाइनल एग्ज़ाम और वो भी एनुअल एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में नहीं छोड़ सकता। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा मेरे को ये तकलीफ़ हो रही है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। अरे यार वहाँ जाता, मस्त मस्त ब्लॉग बनाता भाई, कितना ज़्यादा मज़ा आता। एक ब्लॉग बनाने का मेन प्रोस्पेक्ट मेरी तरफ से ये होता है कि जो मेमोरी होती है ना वो एक जगह पे कंजर्व हो जाती है। खाला के यहाँ जाने के लिए तुम लोग बहुत परेशान होते थे, खाला के यहाँ चलो कहीं मत जाओ, खाला के यहाँ चलो, खाला के यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि सब साथ के थे ना, तो वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा मज़े करते थे। मेरी इस वाली आँख पर पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है अंदर कुछ है लेकिन मतलब है भी नहीं, चेक करवा लिया पूरा का पूरा, लेकिन इसमें से इस अभी पानी निकलने लग गया एकदम से ही बहुत ज़्यादा। और जब बाइक वगैरह चलाता हूँ तो भी बहुत ज़्यादा निकलता है। और इस वाली आँख में अभी मेरे को पता चला कि ये वाली आँख मेरी छोटी हो गई थोड़ी सी, मेरी दिक्कत दे रही है और बहुत ज़्यादा निकलवा लूँ क्या। खैर गाइस अभी बज चुके हैं, देखो मतलब 4:30 बजने वाले हैं, हमारी गाड़ी 15 मिनट आगे है और टाइम कुछ ये हो रहा है। और अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया, सबसे पहले हम सब लोग खाना खा रहे थे। आ जाओ भाई मम्मी, चल उसी को पकड़ के लेकर, अभी जब मैं उसको लेने गया था खाना खाने नहीं आई वो अभी तक। जा, सोचा कि अगर तू आएगी नहीं तो क्या तू यहाँ आ नहीं पाएगी, लौंडे हैं मेरे पास, बेच के उठवा लिया ना, रख दो इसको नीचे जमीन में आराम से प्यार से, डरना चालू कर दे मेरे से, मैं झुकेगा नहीं साला। मेरे बापू। तो गाइस माशाल्लाह आज हमारे पास लंच में है बिरयानी, वाली जो बिरयानी है अब हमें पता नहीं कभी नसीब होगी। और साहिल यहाँ पे खा रहा है पीले कलर के चावल हैं जिनको वो वेज बिरयानी बोल रहा है, लेकिन हमें पता है कि वेज बिरयानी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, वो है पीले चावल। ठीक है, जो बिरयानी होती है वो चिकन बिरयानी होती है और मटन बिरयानी होती है। तो सभी लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं और सभी लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर ब्लॉग बना रहा हूँ, तो सब मैं खाना खाना स्टार्ट कर देता हूँ। सो मैं अपना खाना खा लेता हूँ, खाने को वेट नहीं कराते। ठीक है, ओके बाय। लो 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 अपना चिकन छोड़ के मेरे पास आए चिकन खाने। मुंह हटा, इसने आधी साइड का मेकअप किया है, आधी साइड का मेकअप नहीं किया, पानी पी रही। हटा दिया मैंने फोन, हटा दिया, बंद कर दिया फोन। गाइज लुक एट दिस, दिस इज मी व्हेन आई वाज इन 6th क्लास। हेयर स्टाइल था यार बढ़िया वाला। मम्मी देख के हमेशा ये बोलती हैं, देख कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, जब मैं बाल बनाती देख कैसे अच्छा अच्छा लगता था, मम्मी कुछ ऐसे ही बोलती हैं। लूसी मम्मी के बेड पे चढ़ के बैग पे चढ़ के बैठ गई है और मम्मी को नहीं जाने देगी आज ये। लूसी सो जाओ इसी पे। ले भाई ले, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये 1 2 3 4 5 छह, देखो पहले हम लोगों ने बैग देख लिए, अब हम देखते हैं बैग उठाना किसको है। बेचारा 3 दिन जिम गया, 6 बैग उठाने हैं। मत रख। नहीं नहीं भैया, मेरे से देखो, देखो। पे। लूसी सब जा रहे हैं बाबू, सबसे सलाम कर लो। बाबू लूसी बाबू जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना अच्छा, जा रही हूँ, गुस्सा मत होना अच्छा, और घर में रहना आराम से। चल 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 चल, हटो लूसी यहाँ से। लड़के ने 2-2 बैग उठा लिए भाई साहब पीछे। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, हमारी ट्रेन का मतलब जिस ट्रेन से हम लोगों को जाना है उसका नाम है पद्मावत एक्सप्रेस, और यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। कूली ओ माय गुडनेस, जिंदगी में पहली बार उठाया ना सामान। ये साहिल बॉडी देख रहा है, अपनी कम तो नहीं हो गई, सॉरी ज्यादा हो गई। दिस इज दिल्ली जंक्शन और यहाँ पे कोई ट्रेन है जिसका नाम मुझे नहीं पता। काफी दिनों बाद आया यार मैं रेलवे स्टेशन पे, तो अच्छी सी फीलिंग आ रही है, मन कर रहा है इसी ट्रेन में बैठ के अपने घर चले जाऊं। वो बड़ा सीन, इधर भी देखो भाई क्या सीन आ रहा है, सनसेट और इधर ऐसे ट्रेन, फोटो बहुत तगड़ी आएगी यार, आएगी फोटो खींच दे, फोटो खींच दे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जहां पर हम लोगों की ट्रेन आएगी, डब्बा है S1, हम लोग S1 के सामने आ चुके हैं। यार मम्मी मेरा भी मन कर रहा है, इतनी यहां तक आके ट्रेन के अंदर घुस के फिर मन
सच में बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। इरफान की शादी का इंतजार ना सच में बहुत दिनों से था, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी थी भाई कि एग्ज़ाम कर रहा, हम जा नहीं पा रहे, मम्मी वगैरह जा रहे हैं भाई, इंजॉय करना। तो हेयर वी आर एंजॉइंग गुजिया, बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए, मतलब 50 मिनट अप्रॉक्स, एक घंटा पहले हम लोग पहुँच चुके, वो भी प्लेटफॉर्म पे, इसलिए हम लोग थोड़ा स्नैक खा रहे हैं। मैंने कहा भाई ये कोल्ड ड्रिंक ला दे, सुना नहीं मैंने, मैंने बोला पैसे दे, लाने के लिए मना नहीं है, लाने के लिए मना नहीं है। नहीं नहीं सब ओरिजिनल है, स्प्राइट नहीं, मिरिंडा बोला था। सो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैमरे की पावर। मैं अभी कुछ सामान लेने के लिए गया था, इस पर MRP है 15 रुपये, वो बंदा मेरे को दे रहा था 20 रुपये का। मैंने बोला इस पर MRP 15 रुपये, मैंने वीडियो बनाई है, उस बंदे ने मतलब मेरे से वीडियो तो डिलीट करवा ली, मैंने कर भी दिया आराम से, लेकिन उसने ये मेरे को 15 रुपये का ही दिया। तो भाई MRP से ज़्यादा का कुछ ना ले, कि ये इंडियन रेलवे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि लोग पता नहीं बोलते हैं कि हम ट्रांसपोर्टर करके ले गए, ये ले करके ले गए, वो करके ले गए, लेकिन MRP से ज़्यादा देना भी अपराध है और बेचना भी अपराध है। तो हमारी वाली जो ट्रेन थी वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है, जो कि है पद्मावत एक्सप्रेस। मत निकालना इसको बाहर, और जब उतरो तो सामान वगैरह देख लेना, ठीक है? जा रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, जा रहा हूँ मैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस फाइनली एट घर। भाई इतना ज्यादा जाम था कि पूछो मत यार, मतलब जो रास्ता एक सवा एक घंटे का है वो मैंने 2.5 घंटे में कवर किया है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक था यार, आते वक्त हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, ऊपर से गर्मी। मैंने यार मम्मी को ट्रेन में बिठाया ना, तो दिल से सच में बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मैं भी बस बैठ जाऊँ और निकल जाऊँ मम्मी मम्मी के साथ। खैर जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया। तो गाइस ये मैं और मेरी लूसी, और लूसी तो अपने मूड में ही रहती है। यहाँ पे अपना ब्लॉग एंड करने वाला हूँ। सो होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया, जो कि मैंने बहुत ही महीनों बाद बनाया। यार एग्ज़ाम में ना सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और आज मैंने पढ़ाई सिर्फ सुबह करी थी, उसके बाद अभी थोड़ी शायद हो जाए, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, तो शायद हो जाए, नहीं तो फिर मैं रात में मतलब सुबह उठ के पढ़ूंगा। तो फिर मैं ये अपना ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। सो मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया, और मैंने बहुत दिनों बात किया उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लो खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।